हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी बाजार। तो फ्रेंड्स, एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आपका एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्ज़ाम का फाइनली नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जैसे कि अभी मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा रहा हूँ और ये जस्ट थोड़ी देर पहले आया है। यहाँ पर देखो, आपका फॉर्म फिलअप का जो डेट है वो आज से ही स्टार्ट है। जैसे कि मैं हल्का मोटा मोटी बता देता हूँ नोटिफिकेशन में है क्या, और सबसे पहले उससे भी पहले मैं आपको वैकेंसी दिखा देता हूँ। जो टोटल वैकेंसीज आई है वो है, ये है 39,481 वैकेंसीज आपका आई है। फाइनली आगे चल कर देखेंगे बढ़ेगा घटेगा क्या होगा नहीं होगा, बट मुझे लग रहा था कि वैकेंसीज आपका नियर अबाउट 50,000 तो एटलीस्ट आना चाहिए था, बट कोई बात नहीं। तो यहाँ पर अगर बात करेंगे, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट हो है वो आज ही के दिन से आप फॉर्म फिलअप कर पाओगे। लास्ट डेट देखो 14 अक्टूबर तक फॉर्म फिलअप होगा रात के 11 बजे तक, ठीक है। ऑनलाइन फ़ी पेमेंट जो होगा वो 15 तारीख का रात 11 बजे तक होगा, और जो भी करेक्शन होगा उसकी लिंक आपको 5 नवंबर से देखने को मिलेगी, 2 दिन के लिए आपको दिया जाएगा। और इसका जो टेंटेटिव एग्ज़ाम का शेड्यूल रखा गया वो आपका जनवरी से फरवरी 2025 तक रखा गया है। तो एसएससी ऑन टाइम सभी कुछ लेकर चल रहा है, और यहाँ पर मैं बात करूँ रेलवे की तरह देख नहीं है, एसएससी काफ़ी अच्छा अपने आप इम्प्रूवमेंट कर चुका है, हर एग्ज़ाम को टाइमली लेकर चल रहा है। फिलहाल अगर बात करें यहाँ पास इस एग्ज़ाम का जो पैटर्न क्या होता है, मैं हल्का सा ये भी बता देता हूँ, जितने भी लोग नए फॉर्म फिलअप करेंगे मैं हल्का सा बता देता हूँ एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है। ये देखो, इस पेपर में टोटल 4 सेक्शन से आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है। जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पार्ट 1, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, ठीक है। 20-20 क्वेश्चन होते हैं, 20-20 क्वेश्चन होते हैं, 2-2 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। 80 टोटल 80 क्वेश्चन होते हैं 2-2 मार्क्स का, ठीक है। एक आपका रीजनिंग हो गया, फिर एक आपका जीके जीएस का सेक्शन हो जाएगा, एक आपका एलिमेंट्री मैथमेटिक्स हो जाएगा, और एक आपका हिंदी या इंग्लिश, ठीक है। जो आप चूज़ करोगे आप उसका पेपर दोगे, ठीक है। तो टोटल आपके 20-20 क्वेश्चन होते हैं, टोटल यानी 80 क्वेश्चन जो मार्क्स होते हैं वो 160 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद जब आप इस एग्ज़ाम को पास कर लोगे तो फिर उसके बाद आपका PHT होगा, या फिर फिजिकल एजुकेशन का आपका टेस्ट होता है, ठीक है। उसका भी अगर मैं हल्का चर्चा कर लूँ तो दिखा देता हूँ, ये आपका जो आपका रखा गया है फिजिकल इफिशेंसी टेस्ट वो है आपका, देख लो यहाँ पर मेल और फीमेल का है, ठीक है। ये लद्दाख रीजन को हटाकर और ये लद्दाख रीजन को इंक्लूड कर कर है, ठीक है। तो ये 5 किलोमीटर 24 मिनट में दौड़ना होता है, यहाँ पर आपका 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में दौड़ना होता है, ठीक है। तो ये एक मोटा मोटी नोटिफिकेशन आया है। यहाँ पर अगर एज की बात करूँ तो यहाँ पर एज भी देख लेते हैं, एज आपका क्या रखा गया, ठीक है। तो ये देखो, एज की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर देखो एज लिमिट जो है ना वो 18 से 23 साल, यानी मिनिमम आपका एज 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम आपका 23 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये एज अ जनरल कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। यानी जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आपका 1/1/2025 से, ठीक है, ये काउंट जो हो रहा है 1/1/2025 से हो रहा है। और देखो, अगर देखेंगे तो देखो 2/1/2002 से पहले आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए, और ना ही आपका 1/1/2007 के बाद आपका होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर एज रिलैक्सेशन की बात करें तो ये SC ST का अगर बात करेंगे तो 5 साल आप जोड़ लेना एज रिलैक्सेशन में, OBC का 3 साल आपका हो जाएगा, एक्स सर्विसमैन का 3 साल, ठीक है। तो ये आपका हो गया एज का क्राइटेरिया। और बात करेंगे, एक चीज़ ये भी देख लेते हैं, एप्लीकेशन का जो फॉर्म फिलअप का जो चार्जेस होगा वो क्या है। तो एज़ यूजुअल जो SSC का फॉर्म फिलअप का चार्जेस होता है वो 100 रुपीज़ दे के आपको पे करना है, ये मेल वाले लोग के लिए, बाकी फीमेल का कोई चार्जेस नहीं देना होता। तो ये था आपका एक मोटा मोटी नोटिफिकेशन में, ठीक है। तो चलिए, फिलहाल उम्मीद करता हूँ चीज़ें सभी लोगों को समझ आ गया। तो जितने लोग तैयारी कर रहे थे बस इसी तरीके से करते रहो। फिलहाल मैं वीडियो का वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।